नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C53 मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। दोस्तों आप किसी भी पर्सनल ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन दिखेगा, तो दोस्तों आपके यहाँ पे ऐप लॉक पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक के सामने टिक डिसेबल स्टिक को इनेबल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा सेट है प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट। अगर आप पहली बार लॉक करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके आपको पासवर्ड बनाना है, तो सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपको पासवर्ड रखना है 6 अंकों का वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे यूज पे क्लिक करना, कन्फर्म करना सेम वही पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट टीचर्स नेम में जो भी आपको डालना है डाल देना है। डालने के बाद सही के निशान पे क्लिक करना है तो आपका लॉक बन जाएगा। अब दोस्तों आपको जिस भी एप्लीकेशन पे फिंगरप्रिंट ऐड करना है वो एप्लीकेशन यहाँ से ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन ले लेंगे, अपना यहाँ से इंस्टाग्राम लेंगे तो इंस्टाग्राम के सामने यहाँ पे टिक डिसेबल है, इस टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों ये लॉक हो चुका है, अभी फिंगरप्रिंट ऐड नहीं। फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर अनलॉक मेथड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसके सामने टिक डिसेबल होगी, इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है, अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ से भी आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते। दोस्तों मैंने अपने इंस्टाग्राम में फिंगरप्रिंट लॉक लगाया है, तो यहाँ से ये रहा इंस्टाग्राम। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो वेरीफाई विद फिंगरप्रिंट और यूज प्राइवेसी पासवर्ड। दोस्तों यहाँ से फिंगर से भी खोल सकते हैं और प्राइवेसी पासवर्ड से भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रियलमी C53 मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।